जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मी, पेंशन भोगी और सैनिकों के लिए बड़ी अपडेट है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेन फैक्टर 2.28 होगा। इस बार 8 पे कमीशन गवर्नमेंट सर्वेंट ने पुष्ट की है, डीए 0 हो जाएगा। आपको मैं वो खबर दिखाता हूँ। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट सर्वेंट की चलते हैं, जिसमें आपको सटीक जानकारी मिलती है। आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें ज़्यादातर आप पिछला जो 7th पे कमीशन था, उसमें भी ऐसे सही जानकारी दी गई थी, जो कि पे कमीशन से पहले। और इस बार 8th पे कमीशन पर भी जानकारी आई है। पे लेवल 1 से लेकर 18 तक मिनिमम बेसिक पे कितनी हो जाएगी, पेंशन कितनी हो जाएगी और सैलरी कितनी हो जाएगी, फिटमैन फैक्टर कितना होगा, पूरी टेबल दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सीएपीएफ, आर्मर्ड फोर्स पर्सनल के लिए 8th पे कमीशन में सैलरी एंड फिटमैन फैक्टर, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, इसके बारे में जानकारी दी है। और बता दें, गवर्नमेंट सर्वेंट की जो वेबसाइट है, इसमें जो जानकारी आती है काफ़ी सही आती है, और कई बार इसमें जानकारी जो आई है बिल्कुल सही निकली है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि 8th पे कमीशन के बारे में इसमें जो टेबल आई है उसके बारे में दिखाएंगे और फिटमैन फैक्टर के बारे में दिखाएंगे। सबसे पहले तो इसमें कहा गया है, द रिवीजन ऑफ 8th पे कमीशन सैलरी एंड फिटमैन फैक्टर इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाई द मिनिमम पे कैलकुलेशन। द एंटायर पे मैट्रिक्स विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाई द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम पे। जो मिनिमम पे है वो कितना होगा, इसके बारे में जानकारी दी है। तो इसमें जो कैलकुलेशन दिया है, 34.1% पे और सैलरी बढ़ने वाली है, डीए 0 हो जाएगा। और इसमें यह बताया गया है कि फिटमैन फैक्टर 2.28 फिटमैन फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि डीए 8 पे कमीशन जब 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, उस समय डीए 70% के आसपास पहुंचेगा। उस हिसाब से जो फिटमैन फैक्टर होगा 2.28 होगा। तो जब 2.28 होगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कितनी होगी आपकी, जो अब नई पे लेवल 1 से लेकर 18 तक जो नई पे कितनी होगी, उसके बारे में जानकारी दी है। इसमें एक्सपेक्टेड 8 सीपीसी पे कैलकुलेशन दिया हुआ है, जो कि ग्रेड पे के अनुसार है। टेबल नंबर 1 से लेकर 5 तक पहले दिखाएंगे, और उसके बाद टेबल नंबर 6 से लेकर, जो पे लेवल नंबर 6 से लेकर 10 तक। सबसे पहले तो इसमें जो जानकारी दी है, फिटमैन फैक्टर स्टैंडर्ड 2.28, मिनिमम सैलरी 41,000 हो जाएगी 8th पे कमीशन के अनुसार। अगर यही डीए की जो गणना है इसी तरह से बढ़ती रही और डीए 70% पहुंच गया, तो आप देख सकते हैं, ये टेबल गवर्नमेंट सर्वेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में जारी हुई है, जिसमें कहा गया है, प्रोजेक्टेड 8th सीपीसी पे फॉर पे लेवल 1-2, पे लेवल 5, फिटमैन फैक्टर 2.28। इसमें पे लेवल दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद आगे पे लेवल दिखाएंगे। इसमें जो कहा गया है, जो नए भर्ती होंगे पे लेवल 1 की जो सैलरी लेंगे, 18,007 सीपीसी में ले रहे हैं, तो 8th सीपीसी में उनकी मिनिमम पे हो जाएगी 41,000 रुपये। और जो पे लेवल 2 की सैलरी ले रहे हैं उनकी मिनिमम 45,400 हो जाएगी। पे लेवल 3 की जो भर्ती होंगे, पे लेवल 3 के अनुसार जो भर्ती होंगे, जो उनकी हो जाएगी 49,500 रुपये। और पे लेवल 4 में जो भर्ती होंगे 58,100 रुपये हो जाएगी। पे लेवल 5 में जो भर्ती होंगे वो 66,600 रुपये हो जाएगी, वो जो नए भर्ती होंगे। इसके बाद जो सर्विस कर रहे हैं वो कैसे अपना चेक करेंगे, कैसे जानेंगे कि उनकी कितनी होगी, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपको कौन सा पे लेवल मिल रहा है और कितने साल आपने सर्विस की है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जो 15-16 साल सर्विस करते हैं, उनको लगभग पे लेवल 4 की सैलरी मिलती है, और पे लेवल 4 की अगर 15 साल सर्विस की है, उस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारी और सैनिकों की बेसिक होनी चाहिए 37,000, 38,600 रुपये, जो कि पे लेवल 4 की है, जो 15-16 साल सर्विस करते हैं, 38,600 रुपये 7 सीपीसी में, और 8 सीपीसी में 88,000 रुपये हो जाएगी पे लेवल 4 की, जिनकी सर्विस 16 साल 15 साल के आसपास है। तो 88,000 मिनिमम हो जाएगी जो 15 साल सर्विस करके रिटायर होते हैं। इसी तरह पे लेवल 5 वाले जो हैं, उनकी 44,100 रुपये इस समय पे लेवल 5 को 15 साल सर्विस करने पर मिल रही है, तो उनको 8th पे कमीशन में
1,05,000 रुपए हो जाएगी एक पे कमीशन में नई बेसिक। इसी तरह से आप अपनी सर्विस के अनुसार से अपने पे लेवल को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पहले तो अपनी सर्विस देखना है, जो सर्विस है उसके बाद पे लेवल अपना देखना है, तो वो आपको कैलकुलेशन पता चल जाएगी। इसके बाद पे लेवल 5 तक है, पे लेवल 6 की आप देख सकते हैं। पे लेवल 6 तक के जो हैं उसके लिए बता दे, पे लेवल 5 की ही है ये पूरी कैलकुलेशन। जो 17 साल सर्विस करते हैं या उससे ज्यादा 32 साल तक जो सर्विस करते हैं उनके लिए दिया हुआ है पे लेवल 5 की जो सैलरी ले रहे हैं। इसके बाद पे लेवल 6, 7, 8 और 9 की जो इसमें दी हुई है, अगर पे लेवल 6 आपको सैलरी मिल रही है और 16 साल सर्विस है तो आप समझ सकते हैं 53,600 इस समय 7 CPC में आपको सैलरी मिल रही होगी, और 8th पे कमीशन में 1,22,200 रुपये सैलरी हो जाएगी। इसके हिसाब से आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 2.28 लगा है। जो पेंशनर्स हैं उनको जो इस समय बेसिक मिल रही है उसमें 2.28 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आपकी पेंशन हो जाएगी। और जो सर्विस कर रहे हैं उनको अपनी सर्विस के अनुसार पे लेवल चेक करके आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी सैलरी हो जाएगी। तो पूरी टेबल ये जारी हुई है, 32 साल 35 साल सर्विस करने वालों की भी ये पूरी टेबल जारी हुई है। 60 साल तक जो अपनी एज में सर्विस करते हैं उनके लिए ये टेबल जारी हुई है। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।